अब तो राज्य की जनता के लिए जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है और उसमें अधिक से अधिक गति देने का हम सभी लोगों का उद्देश्य है। इसलिए आज पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है, उसके उपरांत हम सभी लोग मंत्रिमंडल में कि हम लोगों ने बैठक भी की, सब लोग कल से अपने अपने कार्यों में लगेंगे और आज एक छोटा सा और इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो ऐसा एक हम लोगों ने विचार रखा। क्योंकि राज्य में आप सबको पता है कि माइनिंग गतिविधियाँ सबसे अधिक चलती हैं, विभिन्न तरीके के माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है पूरे देश का, लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं थी। जो विस्थापित हुए या जो विस्थापित होने वाले हैं उन लोगों के लिए, और आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का आज कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे, एक डाटा बेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें और एक दस्तावेज हो इस राज्य में हो रहे माइनिंग गतिविधियों को लेकर, उसका प्रभाव को लेकर हमारे लोग क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, जिनको क्या मिला नहीं मिला, इसका प्रभाव क्या है, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द उसका एक मसौदा तैयार करेंगे। और जो यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको खेत खलिहान घर द्वार छोड़ना पड़ता है, उनको कैसे राहत पहुँचाई जाए, इसके लिए हम लोग सरकार एक नीति बनाएगी और उस नीति के साथ हम लोगों को जो लोग प्रभावित लोग हैं उन पर और उनके लिए हम लोग काम करेंगे। ये सब अब हमने कहा है तो इसको धरातल पे उतारना भी हमारी जिम्मेवारी है। अब ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज हमने ये निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहें, जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने इसी सब्जेक्ट को आज हम लोगों ने इस पर सहमति जताई। सहायक पुलिसकर्मी पिछले एक हफ्ते से ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी आप उनके लिए कुछ? हम तो उनको यही संदेश देना चाहेंगे, आप लोग आप कोई भी हो धरना प्रदर्शन छोड़े, सरकार बिल्कुल तैयार है आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और ये तभी होगा जब लोग मिल बैठ के बात करेंगे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार संवेदनशील सरकार है, इसके आँख कान नाक भी हैं जो सुनती भी है समझती भी है और समस्या का समाधान भी निकालती है। दादा कई सारी योजनाएं सरकार पहले से चला रही है, उन योजनाओं को लेके लगातार आप फीडबैक भी लेते रहे, क्या अभी जो टाइम बचा हुआ विधानसभा चुनाव से पहले उसको लेकर कुछ कार्य योजना है? नहीं, इस विषय पर हम लोग अब कल मंत्री
सभी अपने अपने पदभार ग्रहण करेंगे। हमने भी आज कहा है इस विषय को कि जितने भी सरकार ने इस राज्य के लिए जनहित के कार्यों पर काम किया है, निर्णय लिए हैं, उन सब की समीक्षा अविलंब करें, नई नीति बनाने, नए चीज़ों पर आगे बढ़ने से पहले आप वर्तमान स्थिति का आकलन बेहतर तरीके से करें और मजबूती से उसको धरातल पर उतारें। कई शिकायतें आती हैं अलग अलग समस्याओं का, उन सब को मद्देनज़र सभी विभाग अपने अपने विभागों के अंदर जड़ तक उसकी जानकारी लेने का प्रयास करें और जो सवाल हैं, जो समस्या है, उसका समाधान ढूंढें। आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम क्या फिर से चलेगा? जो फाइनल स्टेज में पहले से घोषणा इसकी हो चुकी है, मतलब देखिए अभी हम लोगों ने तो ये प्रारंभ किया ही है। कई बार सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम हुए हैं और हमारा प्रयास है, हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नहीं, गांव से चलेगा और इसके लिए कार्य योजना और काम करने के तरीके आने वाले समय में कैसे अपनाए जाएंगे ये आप लोग को हम लोग समय समय पर बताते रहेंगे। धन्यवाद।